Hello dosto in this video we are going to discuss about the continent of asia here you can see this is our globe in which the continent of asia is shown right so this is the new series about the continent of asia in which we'll see all of the basic information about the asia continent we'll try to understand the physiography of asia the climate patterns of asia and we will also try to understand the drainage pattern and the vegetation of asia continent and it's a very general topic that you should know about your continent right so trust me this will be very interesting for you and also it will help in your study so before i start please 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 subscribe to the channel and also hit the like button for more such videos now let's begin our today's discussion So can you tell me which is the largest and the most populous continent in the world? Definitely it's Asia. So Asia is the largest continent in the world by both the land area and the population. It covers an area of more than forty four million square kilometer, about thirty percent of total land area of the world. It means ke Asia Johamara continent. Hai, वो लैंड एरिया और फिर पॉपुलेशन दोनों के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है यानी कि इट्स द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड जिसमें हमारा जो एरिया है टोटल एरिया जो एशिया का वो है फोर्टी फोर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक है जो कि बहुत ही ज़्यादा है जो पूरे टोटल लैंड एरिया जो हमारा अर्थ है ठीक यानी कि जो वाटर वाला पार्ट है जो ओशनस है वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं सिर्फ लैंड एरिया अगर हम काउंट करें तो वो पूरे अर्थ का थर्टी परसेंट जो है वो अकेला एशिया जो है वो वो पूरा अकेला एशिया का है ठीक है जिसमें कि अराउंड फोर पॉइंट सेवन बिलियन जो पॉपुलेशन है वो रहती है जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का सिक्सटी परसेंट होता है यानी कि जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी रहती है लेकिन कितनी ज़्यादा जो कि पूरे वर्ल्ड का सिक्सटी परसेंट होता है ठीक है यानी कि एक अकेला कॉन्टिनेंट जिसमें कि सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल अर्थ की पॉपुलेशन का वो अकेला एशिया कॉन्टिनेंट में रहता है ठीक है तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एशिया में रहती है अगर हम इसके लोकेशन की बात करें दोस्तों तो जो एशिया है हमारा वो आप यहाँ देख सकते हो टेन डिग्री साउथ से एटी डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड तक एक्सटेंड करता है ठीक है अभी हम इसको मैप में देखेंगे टेन डिग्री नॉर्थ टेन डिग्री साउथ से एट्टी डिग्री नॉर्थ कहाँ तक है और जो हम लॉन्गीट्यूड है हमारे एशिया का वो है ट्वेंटी फाइव डिग्री ईस्ट से वन सेवेंटी डिग्री वेस्ट लॉन्गी क्लियर है देखो यहाँ ऐप में हम देखते हैं ये आप जो जानते होंगे ये हमारा इक्वेटर यहाँ से पास होता है ठीक है और इक्वेटर जो है वो हमारे पूरे ग्लोब को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ठीक है यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा अर्थ जो है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ठीक है ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा नॉर्थ हेमस्फियर है और जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा साउथ हेमेस्फेयर है ठीक है तो जो हमारा एशिया आप आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जितना रेड पार्ट है ये हमारा पूरा एशिया है क्लियर तो एशिया का जो आप यहाँ वाला एक्सटेंशन देख रहे हो ठीक है जो साउथ वाला एक्सटेंशन है ये हमारे इक्वेटर से भी नीचे जा रहा है ठीक है कितने नीचे जा रहा है यानी कि जीरो डिग्री अगर आप यहाँ देखोगे तो अगर हम नीचे जाएंगे ये बढ़ता जाएगा ठीक है जीरो से पहले वन होगा फिर टू होगा तो इसी तरीके से जो जहाँ पे टेन डिग्री आता है ठीक है वहां तक हमारा ए, जो एशिया है उसका लास्ट एक्सटेंशन है क्लियर जो कि टेन डिग्री साउथ बोलेंगे और अगर ऊपर देखें यहाँ नॉर्थ में तो ये हमारा होता है एटी डिग्री नॉर्थ ठीक है ये हमारा एटी डिग्री नॉर्थ अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उसको नॉर्थ बोलेंगे तो एटी डिग्री नॉर्थ तक हमारा एशिया का जो है एक्सटेंशन है और नीचे अगर साउथ में बोलेंगे तो वो टेन डिग्री साउथ तक है ये क्लियर हुआ आपको अब देखो यहाँ हमारा ये ज़ीरो डिग्री प्राइम मेरेडियन होता है ठीक है प्राइम मेरेडियन जो यहाँ से पास हो रहा है तो आप एशिया का एक्सटेंशन यहाँ देखो तो ये यह हमारा यहाँ तक है ठीक है जो कि कितना है ट्वेंटी फाइव डिग्री ईस्ट है ठीक है यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हो ये थर्टी डिग्री लिखा हुआ है तो थर्टी डिग्री से भी हमारा जो है एक्सटेंशन ये थोड़ा इस तरीके से बाहर निकला हुआ ठीक है जो कि अराउंड ट्वेंटी फाइव डिग्री ईस्ट है और अगर यहाँ हमारा आप देखोगे एक्सटेंशन तो ये हमारा वन सेवेंटी डिग्री वन सेवेंटी डिग्री वेस्ट है ठीक है तो वन से वन सेवेंटी डिग्री वेस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्थ को तो आप जानते हो गोल है ठीक है इस तरीके से गोल है तो ये जो यहाँ वाला पार्ट है ये अगर हम पीछे से इस तरीके से अगर अर्थ को गोल करें तो ये यहाँ से मैच करता है ठीक है तो इसलिए वन सेवेंटी डिग्री वेस्ट जो है एशिया का एक्सटेंशन हुआ क्लियर है दोस्तों अब देखो दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है और ये जो हमारा इक्वेटर है ये अर्थ को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ठीक है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है और यहाँ से प्राइम मेरेडिन गया और यहाँ से इक्वेटर पास हुआ क्लियर है तो जो हमारा एशिया है वो कहाँ पे लाई कर रहा है ठीक है आप देखो ये हमारा वेस्टर्न हुआ ठीक है ये पूरा जो पार्ट है ना ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ठीक है दोस्तों तो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिसफेयर में हमारा जो एशिया है वो ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है ठीक है उसकी लोकेशन ईस्टर्न पार्ट में है और अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो हमारा जो एशिया है वो नॉर्थ जो है हेमस्फेयर वहाँ पे लाई करता है ठीक है जो सम पार्ट है वो यहाँ पे सदर्न हेमस्फेयर में भी जा रहा है लेकिन हम लोग उसको मेजरली काउंट नहीं करते ठीक है तो एशिया जो है हमारा वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया की जो लोकेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से अब देखो एशिया जो कॉन्टिनेंट है ना वो बहुत ही अलग अलग उसके रिलीफ जो है ठीक है रिलीफ जो है टेम्परेचर है एशिया का जो वेजिटेशन है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं ठीक है टेम्परेचर जो है कहीं पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगा और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा हॉट भी हो सकता है इसलिए कि इसका एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा एशिया जो है वो बहुत ही ह्यूज कॉन्टिनेंट है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगा ठीक है और वेजिटेशन भी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पाई जाती है एंड ऑल्सो पीपल पीपल यानी कि अलग अलग जैसे आप देखो चाइना में तो वहाँ के लोग दूसरे दिखते हैं ठीक है फिर इंडिया है फिर साउथ ईस्ट एशिया है फिर ऊपर आप जाओगे तो रशिया है फिर इस तरीके से मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं क्लियर ना दोस्तों अब देखो यहाँ है एशिया इज़ लोकेटेड प्राइमरिली इन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिसफेयर ऑफ द अर्थ ठीक है ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जो है हमारा एशिया वो लाई करता है ठीक है स्ट्रेचिंग फ्रॉम द आर्कटिक ओशन एशिया के नॉर्थ पे आर्कटिक ओशन है उसके साउथ पे जो है इंडियन ओशन है और उसके वेस्ट में जो है मेडिट्रेन सी है और जो एशिया है उसके ईस्ट साइड में वो पैसिफिक ओशन है क्लियर है देखो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा एशिया है ठीक है तो ऊपर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशन जो है वो इसकी लोकेशन आर्कटिक ओशन जो है यहाँ से घिरा हुआ है एशिया नॉर्थ पे ठीक है और नीचे आप यहाँ देख रहे हो ये है हमारा इंडियन ओशन ठीक है तो इंडियन ओशन यहाँ हमारा नीचे साउथ पे जो है एशिया से टच करता है ठीक है और ये जो हमारा है ये वाला ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं मेडिट्रेनियन सी ठीक है तो यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी से मैच कर रहा है वो है मेडिटेरेनियन सी ठीक है ये वेस्ट में हमारा और यहाँ आप देख सकते हो ये ईस्ट में हमारा कौन सा वाटर बॉडी है वो है पैसिफिक ओशन क्लियर देखो यहाँ पैसिफिक ओशन जो है वो एशिया के ईस्ट में लाई करता है तो चारों तरफ से हम लोग देख लिए कि कौन कौन से वाटर बॉडी से जो एशिया है वो हमारा घिरा हुआ है ठीक है जो साउथ है वहाँ पे इंडियन ओशन से है ईस्ट में पैसिफिक ओशन से और नॉर्थ पे जो है वो वाटर बॉडी उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक ओशन और जो हमारा वेस्ट है वहां पे वो है मेडिट्रेनियन सी तो चारों तरफ के वाटर बॉडी हमने पढ़ लिया क्लियर अब देखो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा येलो वाला जो पार्ट है ये हमारा एशिया है ठीक है एशिया यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली ये बहुत ही अच्छा मैप है जिसमें आप क्लियर देख सकते हो कि एशिया जो है वो कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है ठीक है और सब कॉन्टिनेंट देखो ये सब छोटे छोटे दिख रहे हैं इस एशिया के कंपैरिजन में तो ये एशिया हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि वर्ल्ड में नंबर वन पोजीशन में है ठीक है बाई बोथ द लैंड एरिया एंड द पॉपुलेशन दी अर्थ हाइस्ट एंड लोएस्ट प्लेस आर बोथ इन एशिया यानी कि जो सबसे हाइस्ट प्लेस है अर्थ का ठीक है जो कि माउंट एवरेस्ट है और जो लोएस्ट पॉइंट है ठीक है लोएस्ट प्लेस जो है वर्ल्ड का वो भी एशिया में आ, जो है उसकी लोकेशन प्रेजेंट है ठीक है बींग द मोस्ट माउंटेनियस कंटिनेंट एशिया हैज़ द हाइस्ट पॉइंट ऑन दी अर्थ माउंटेन अर्थ माउंट एवरेस्ट एट एट फोर एट मीटर यानी कि जो सबसे हाइस्ट पॉइंट है हमारे वर्ल्ड में वो क्या है वो माउंट एवरेस्ट है ठीक है ये आप सब लोग जानते होंगे जिसकी हाइट जो है वो एट एट फोर एट मीटर है ठीक है इतनी इसकी हाइट है एंड द लोएस्ट पॉइंट इज द डेड सी जिसकी हाइट है फोर हंड्रेड मीटर बिलो सी लेवल यानी कि जो सी का लेवल होता है ठीक है जो समुद्र का जो लेवल होता है उसके 400 मीटर नीचे जो है वो डेड सी का लोएस्ट पॉइंट जो है वो भी एशिया में प्रेजेंट है ठीक है तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट एवरेस्ट वो भी एशिया में है और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो भी एशिया में प्रेजेंट है क्लियर द प्लेट ऑफ तिब्बत ऑफ एन नोन एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड इज द हाइएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड यानी कि जो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत है ठीक है जो कि तिब्बत में प्रेजेंट है वो रूफ ऑफ़ द वर्ल्ड कहा जाता है ठीक है रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का छत ठीक है तो वो लार्जेस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का और सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू यानी कि इस प्लेट्यू की जो लोकेशन है वो बहुत ही हाई है ठीक है और ये प्लेट्यू दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है कौन सी द प्लेट्यू ऑफ तिबैत अब एशिया की जो बाउंड्री है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से किस तरीके से वो हम लोग देखते हैं ठीक है थीके? द बाउंड्री बिटवीन द एशिया एंड अफ्रीका इज द रेड सी दी गल्फ ऑफ स्वेज एंड दज कैनाल सबसे पहला जो हमारा बाउंड्री है वो हम एशिया एशिया की अफ्रीका के साथ देखते हैं ठीक है यहाँ देखो ये यह आप मैप में देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा ये हमारा मैप है ठीक है जिसमें कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये इजिप्ट है इजिप्ट कहाँ है इजिप्ट है वो अफ्रीका में ठीक है यह आप देख सकते हो ये हमारा जो पोर्शन है ये अफ्रीका का है और ये जो यहाँ से पोर्शन दिख रहा है आपको ये हमारा एशिया का है ठीक है और बीच में आपको ये एक पेनंसुला दिख रहा है जिसको कि सिनाई पेनेंसुला बोलते हैं ठीक है थीके? तो आप यहाँ देख सकते हो ये है हमारा रेड सी ठीक है जो रेड सी है वो एशिया और अफ्रीका को डिवाइड करता है ठीक है यहाँ तक तो हमारा रेड सी हुआ अब ये जो वाटर बॉडी है ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाटर बॉडी एक्सटेंड है तो ये इसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ स्वेज ठीक है गल्फ ऑफ स्वेज और रेड सी ये दोनों जो है और यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो ये आपने पढ़ा होगा ये हम बोलते हैं क्या स्वेज़ कैनाल ठीक है यहाँ पे स्वेज कैनाल यानी कि मैन मेड एक कैनाल बनाया गया है जो कि एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है ठीक है तो सबसे पहला है हमारा वो है रेड सी जो कि कंट्रीब्यूट करता है सेपरेशन ऑफ एशिया फ्रॉम दी अफ्रीका और दूसरा है हमारा ये वाटर बॉडी इसको गल्फ़ ऑफ स्वेज बोलते हैं और ऊपर ये जो हमारा पार्ट जो है टच हो रहा है वो है स्वेज कैनाल से ठीक है तो ये तीन जो है इन तीनों से जो एशिया और अफ्रीका की बाउंड्री वो टच होती है या सेपरेट होती है आप कह सकते हो ठीक है तो ये एशिया की अफ्रीका से बाउंड्री थी अब हम देखते हैं एशिया की बाउंड्री बाउंड्री यूरोप से ठीक है एशिया से यूरोप किस तरीके से सेपरेट है एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप इन दी वेस्ट बाय यूरल माउंटेंस कैस्पियन सी काकसेस माउंटेन एंड दी ब्लैक सी देखो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें ये हमारा एशिया का पार्ट है और ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है ठीक है तो देखो ये वाला जो हमारा लाइन है ठीक है ये हमारा पूरा यहाँ सेपरेट हो रहा है एशिया और इससे जो एक्सटेंड किया हुआ है पार्ट ये हमारा यूरोप में काउंट होता है ठीक है यहाँ आप देखो देखो ये है हमारा इस तरीके से जितना जो रेड वाला लाइन है ठीक है इसको बोलते हैं क्या दोस्तों यूरोल माउंटेंस ठीक है यानी कि एक माउंटेन है यहाँ पे जिसका नाम है यूरल और ये जो माउंटेन है ये एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है ठीक है तो यहाँ तक हमारा यूरल माउंटेन से वो हमारा सेपरेट हो गया क्लियर अब उसके आगे ये है हमारा कैस्पियन सी तो यहाँ आप देख सकते हो ये ये जो वाटर बॉडी है इसको हम लोग कैस्पियन सी बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये भी एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है उसके आगे आप जाओगे तो ये हमारा जो है इस तरीके से आप लाइन देख रहे हो ये हमारा काकेसेज माउंटेन है ठीक है काकेश माउंटेन की जो रेंज है ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड होती है वो भी बाउंड्री लाइन बनाती है एक नैच एक नेचुरल बाउंड्री लाइन जो कि एशिया से यूरोप को सेपरेट करती है उसके बाद आप आगे चलोगे तो ये हमारा ब्लैक सी है तो ये भी एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है तो पहले माउंटेन फिर वाटर बॉडी जिसको सी बोलते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद माउंटेन उसके बाद फिर एक सी और ये चारों मिल करके एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं एशिया की बाउंड्री ओशिनिया से तो देखो ओशिनिया सबसे पहले तो समझते हैं ओशिनिया क्या है तो ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ये उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में यहाँ पे हमारा छोटा सा एक न्यूजीलैंड है और कुछ छोटे छोटे आइलैंड हैं उन सब को ग्रुप को एक साथ मिला करके हम लोग ओशिनिया बोलते हैं दोस्तों क्लियर है तो ओशिनिया से हमारा जो एशिया है वो किस तरीके से सेपरेट होता है अब हम वो देखने जा रहे हैं ठीक है यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हो ये हमारा ये हमारा एशिया है ठीक है यहाँ तक हमारा एशिया है और उसके आगे जो ये सारा पार्ट है ये हमारा ओशिनिया में जाता है ठीक है द बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड द रीजन ऑफ ओशिनिया इज यूजली प्लेस्ड समवेयर इन द इंडोनेशिया आर्कि ठीक है आर्कि बोलते हैं जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड रहते हैं ठीक है बहुत सारे अलग अलग आइलैंड से मिल करके जो बना हुआ ग्रुप होता है उसको हम लोग आर्कि बोलते हैं क्या बोलते हैं आर्कि ठीक है तो जो इंडोनेशियन आर्कि है यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा इंडोनेशिया है ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आइलैंड होते हैं जिनको मिल करके इस तरीके से बहुत सारे मिल करके ये इंडोनेशियन आर्क प्लेगो बनाते हैं तो ये एशिया को जो है ओशिनिया से सेपरेट से करते हैं दोस्तों क्लियर ना देखो द मोलिकस आइलैंड आर ऑफिन कंसिडर्ड टू लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विथ इंडोनेशियन न्यू गिनी टू द ईस्ट ऑफ द आइलैंड बींग होली पार्ट ऑफ दी ओशीनिया तो जो मोलिकस आइलैंड है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा जो है वो उसकी लोकेशन है ठीक है तो मोलिकस आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया ठीक है साउथ ईस्ट एशिया आप जानते हो ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया है जो कि नीचे का जितने भी कंट्रीज है वो मिल करके साउथ ईस्ट एशिया बनाते हैं तो उनका जो बॉर्डर है वो मोलिकिस आइलैंड है वो बनाता है ठीक है यहाँ के बाद इस तरीके से आप देखो ये जो हमारा इस तरीके से लाइन आप देख रहे हो तो ये इससे इधर का जितना पार्ट है इससे अंदर का जितना पार्ट है ये एशिया का पार्ट है और उसके बाद ये लाइन के बाद ये जो है ये ओशिनिया का पार्ट है यहाँ तक ठीक है तो जो मोलिकस आइलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों वो न्यू गिनी न्यू गिनी किसको बोलते हैं ये हमारा यहाँ पे न्यू गिनी यहाँ पे उसकी लोकेशन है ठीक है तो न्यू गिनी के वेस्ट में जितना है न्यू गिनी के वेस्ट में जितना भी आइलैंड है वो सारा एशिया का पार्ट है और उससे आगे जितना पार्ट है वो ओशिनिया का पार्ट है ठीक है तो इस तरीके से जो हमारा एशिया है वो ओशिनिया से सेपरेट हो रहा है यहाँ पे हमारा मोलिकिस आइलैंड पड़ता है और ये जो हमारा न्यू गिनी का ये जो लोकेशन है इसके आगे जितना है वो ओशिनिया का पार्ट है तो यहाँ से हमारा जो मोलिकस आइलैंड है वो एक बॉर्डर है एशिया और ओशिनिया के बीच में क्लियर दोस्तों अब देखो हम बात करते हैं एशिया की बाउंड्री नॉर्थ अमेरिका से ठीक है देखो नॉर्थ अमेरिका से कैसे हमारा एशिया की जो बाउंड्री है वो लगती है द बेरिंग स्ट्रेट एंड द बेरिंग सी सेपरेट्स दी लैंडमार्क्स ऑफ एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों ये हमारा रशिया है जो कि एशिया का पार्ट है और ये यह हमारा यहाँ से यूएस है ठीक है यूएस का पार्ट है अगर आप ग्लोब को इस तरीके से राउंड कर दोगे तो हमारा ये जो दोनों पार्ट है ये मैचअप हो जाएगा ठीक है तो इसके बीच में जो यहाँ आप देख सकते हो ये है हमारा बेरिंग स्ट्रेट और यहाँ है हमारा ये बेरिंग सी तो ये दोनों जो मेजर जो वाटर बॉडी है ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करती है ठीक है इसके बीच में यहाँ आप देख सकते हो ये है हमारा जो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे एक छोटा सा दो आइलैंड है ठीक है एक बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है तो उसका नाम है डायमेड आइलैंड ठीक है डायमेड या डायमेड जो भी आप बोल सकते हो तो वो हमारा एक आइलैंड है यहाँ पे देखो यहाँ आप क्लियर देख सकते हो ये दो आइलैंड है तो इसमें जो बड़ा वाला है वो उसका नाम है बिग डायमेड आइलैंड और जो छोटा है वो है लिटिल डायमेड आइलैंड तो जो छोटा वाला पार्ट है वो यूएसए का पार्ट है और जो बड़ा है वो रशिया का पार्ट है क्लियर देखो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि रशिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है ठीक है तो जो बिग डायमंड आइलैंड है वो रशिया का पार्ट है और यूएसए जो है वो रशिया से छोटा है तो उसका लिटिल डायमंड आइलैंड है वो उसका पार्ट है तो ये दोनों के बीच से जो है हमारा ये डेट लाइन पास हो रहा है तो ये जो है ये बॉर्डर बना रहा है बिटवीन दी एशिया एंड दी नॉर्थ अमेरिका जो जो हमारा बिग डायमंड आइलैंड है वो रशिया का पार्ट है यानी कि एशिया का पार्ट है और जो हमारा छोटा है लिटिल डायमंड आइलैंड वो यूएसए का पार्ट है यानी कि वो वेस्टर्न पार्ट है क्लियर दोस्तों और इन दोनों के बीच से हमारा लाइन पास हो रहा है जो कि एक बॉर्डर बना रहा है यू एस ए और एशिया के बीच में तो आई होप ये आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा ठीक है देखो अब हम देखते हैं एशिया की रीजनल डिवीजन, ठीक है रीजनल यानी कि अलग अलग रीजन किस तरीके से एशिया में डिवाइडेड है सो so, यहाँ लिखा है एशिया इज डिफाइंड इन टू फोर्टी नाइन पोलिटिकल कंट्रीज विच रेंज इन साइज फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल अब देखो यहाँ फोर्टी नाइन लिखा हुआ है लेकिन आप कहीं कहीं देखोगे तो वहां पर फोर्टी एट कंट्रीज भी लिखी रहती है ठीक है तो जिस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो आपको जहां पर जैसा सुइटेबल रखे वो दोनों करेक्ट होगा अगर आप फोर्टी नाइन लिखते हो तो यानी कि एक कंट्री है ताइवान तो अगर आप फोर्टी नाइन कंट्री लिख रहे हो तो यानी कि आप ताइवान जो कंट्री है उसको आप इंक्लूड कर रहे हो ठीक है और अगर कहीं पे 48 एट लिखा है तो वो लोग क्या करते हैं ताइवान जो है उसको चाइना का पार्ट कंसिडर करते हैं ठीक है थीके? तो उस वजह से 48 एट हो जाता है वहाँ पे टोटल कंट्रीज़ ऑफ एशिया तो देखो सबसे पहला जो रीजनल डिवीज़न है हमारा वो है सेंट्रल एशिया ठीक तो सेंट्रल एशिया उसके बाद है हमारा ईस्टर्न एशिया उसके बाद है नर्दर्न एशिया साउथ ईस्टर्न एशिया सदर्न एशिया एंड वेस्टर्न एशिया ये सारे अलग अलग रीजन है एशिया के जिनमें अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो इंक्लूडेड है ठीक है यहाँ आप इन सबको पढ़ सकते हो देखो जिस तरीके से सेंट्रल एशिया है उसमें कजाकिस्तान किर्गिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है ठीक है उस तरीके से ईस्टर्न एशिया है वहाँ पर चाइना जापान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मंगोलिया ताइवान ये सारे कंट्रीज़ वो है सेंट्रल वो है ईस्टर्न एशिया का पार्ट उसके बाद नर्न एशिया है जिसमें कि हमारा रशिया है ठीक है एक अकेला लार्जेस्ट कंट्री जो कि नर्दन एशिया को पूरा कवर करता है उसके बाद है साउथ ईस्टर्न एशिया जिसमें कि म्यांमार लाओस थाईलैंड उसके बाद वियतनाम कम्बोडिया मलेशिया सिंगापुर पुणे इंडोनेशिया ईस्ट तिमोर एंड फिलीपींस ये सारे कंट्रीज़ हैं अब देखो ये सारे कंट्रीज़ आपको वर्ड टू वर्ड याद रहें ये ज़रूरी नहीं है ठीक है लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ लो आपके दिमाग में रहेगा और आपको पता होगा कि हाँ टोटल फोटी एट कंट्री हैं या फिर आप बोल सकते हो फोर्टी नाइन कंट्री है और ये सारे अलग अलग रीजन हैं जो कि एशिया में एशिया को डिवाइड करते हैं ठीक है देखो सदर्न एशिया की अगर हम बात करें तो उसमें है अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका उसके बाद वेस्टर्न एशिया है उसमें हमारे जितने भी बचे हुए कंट्री हैं वो सारे इंक्लूड है जैसे कि इराक ईरान, जॉर्डन फिर इसराइल यमन ओमान यू कुवैत बहरीन कतर सऊदी अरबिया टर्की लेबनान सिप्रस सीरिया जॉर्जिया अर्मिया एंड और अजरबैजान तो ये सारे अलग अलग कंट्री हैं जो कि अलग अलग रीजन हैं एशिया में उनमें डिवाइडेड हैं ये सारे अलग अलग कंट्री अब आप इसको मैप में भी देख सकते हो दोस्तों देखो ये हमारा अकेला जो है रशिया ये पूरा नॉर्थ पार्ट जो है वो एशिया का कवर करता है ठीक उसके बाद ये हमारा ईस्टर्न एशिया है जिसमें कि चाइना मंगोलिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान इस तरीके के कंट्री यहाँ पे इंक्लूडेड हैं ठीक है थी? और ये जो हम लोग उस टाइम बात कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया का जो कि ओशिनिया से किस तरीके से सेपरेट होता है तो ये सारे इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे ठीक है चोटे -चोटे, इसमें आप इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर उसके बाद थाईलैंड कम्बोडिया ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ देख सकते हैं यहाँ पे उसके बाद ये हमारा सदर्न एशिया है ठीक है साउथ पोर्शन है ये हमारा तो इसलिए इसको सदर्न एशिया बोलते हैं जिसमें सबसे मेन है हमारा इंडिया पाकिस्तान अफग़ानिस्तान उसके बाद बांग्लादेश भूटान नेपाल ये सारे सदन में आते हैं उसके बाद ये हमारा यहाँ पे आप सेंट्रल एशिया देख सकते हो जिसमें बहुत सारे कंट्रीज है वो आप पढ़ लेना और ये है हमारा वेस्टर्न एशिया ठीक है तो ये सारे रीजनल डिवीजन है एशिया के जिसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग बात किए ठीक है यहाँ पे आप से, देख सकते हो ये सारे अलग अलग कंट्रीज लिखे हुए हैं जो कि अलग अलग रीजन में आप यहाँ पर देख सकते हो थीके? उसके बाद जो है हमारा मेन फोकस वो है फिज़िकल डिवीजन ऑफ एशिया ठीक है अभी तक तो हम लोग जितना है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है एशिया का वो सब देख देख रहे थे ठीक है लोकेशन देखें उसके बाद उसकी जो सें जो रीजनल डिवीजन है वो देखें और भी इस तरीके से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने कम्प्लीट किया ठीक है अब देखो मेजर फिज़िकल डिवीज़न ऑफ एशिया की अगर हम बात करें तो वो हम सिक्स पार्ट में डिवाइड करते हैं एशिया को फिज़िकल डिवीज़न जो है एशिया का वो सिक्स है सबसे पहला जो है हमारा सबसे मेन वो है नदन लो लैंड ठीक है नदन लो लैंड जो है सबसे मेन है उसके बाद जो दूसरा मेन है वो है सेंट्रल माउंटेन सेंट्रल माउंटेन ठीक है उसके बाद तीसरा डिवीजन है हमारा सदर्न प्लेट्यूज उसके बाद फोर्थ वन इज द पेनिनसुला एंड द फिफ्थ वन इज़ द ग्रेट रिवर प्लेन एंड सिक्स्थ वन इज द आइलैंड ग्रुप्स ठीक है तो ये सारे सिक्स डिवीजन है एशिया के जिसको हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी दोस्तों एक एक वर्ड जो है एक एक जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा तो लेकिन आपको देखना है वीडियो को बहुत ही अच्छे से और समझना है और कहीं पर भी, भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो ठीक है तो ये हमारा पार्ट वन था इस वीडियो का अगर आप लोग इसका पार्ट टू देखोगे तो उसमें हम लोग नदन लोलैंड ऑफिस सेंट्रल माउंटेन को कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना दोस्तों और फिर सेकेंड पार्ट का वेट करो ठीक है तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में